ने पुजारी और साहब से फिरा था। नहीं, कई साधन आपने लिए समस्याओं का कारण बन सके हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं घट सके, यहाँ तक के कई बार तो जान भी जा सके। तो भाई बहना आपको जीवन बच्चों रहे, जीवन सुरक्षित रहे और आपका जीवन को पूरा आनंद लेवा, इन्हें जरूरी है कि आपका वाहन वाहन का साधन में आपका सावधानी रखा। और आज आपा इन विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चाओं को पालन करें और विषयों की जानकारियां हासिल करें। आज को आप विषय है सड़क सुरक्षा और अपना दायित्व, और इस विषय की शाम की जानकारी आपने भी बताया है श्रीमती प्रेरणा अरोड़ा जी, जिनका कोऑर्डिनेटर है सेंटर फॉर रोड सेफ्टी का मायने। प्रेरणा जी आपको सुपारिशन स्वागत है सर, और साथ ही हमारे सहयोगी सोनल माथुर जी भी बताए है। सोनल माथुर जी, आज आप सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, आप की जानकारियां करते हैं, जिसको आपने ग्रामीण भाई बहनों ने बात उठा पड़े कि आपको जीवन किस प्रकार को सुरक्षित रहे और आप सड़क बचाना तो अपना सही कहीं दायित्व है। जानकारी देवा का आपने प्रेरणा अरोड़ा जी बता रहे हैं, तो आप प्रेरणा अरोड़ा जी का जानकारी चाहो सर। मैं जानकारी चाहूँ यार, आपके लिए वाहन तो जरूरी है, वाहन का प्रयोग तो जरूरी है, पर वाहन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, कई सावधानियां बरतनी चाहिए वाहन चलाता समय। गाड़ियां चलाना तो जरूरी है, आज का जमाना को एक साधन में अपना जीवन नहीं चल सके, तो हम सावधानी कहीं कहीं रखा कि अपना जीवन सुरक्षित रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम कौन से वाले वाहन पर चल रहे हैं, उसके हर प्रकार के वाहन को चलाने के लिए कुछ अलग अलग सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। जैसे अगर हम दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, हमको अपनी स्पीड गति सीमा के अंदर हमें चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें सड़क के बिल्कुल बाईं तरफ चलना चाहिए अपनी लेन के अंदर, और गति सीमा हमारी 7 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटा नहीं होनी चाहिए। अगर हम चौपहिया वाहन चला रहे हैं तो हमारा कौन सा चौपहिया वाहन चला रहे हैं, हम ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं या ट्रॉली चला रहे हैं या हम कार चला रहे हैं, तो हर वाहन को चलाने के लिए हमको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि ग्रामीण अगर हम परिवेश में बात करें तो वहां पर जो ज्यादा प्रयोग होता है वहाँ जीप का ज्यादा प्रयोग होता है, और जो ट्रॉली है ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो जब आप जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली को चला रहे हैं तो पहली बात तो यही है कि सड़क की हमेशा बाईं तरफ चले, दाईं वाली जो सड़क होती है उसको खाली छोड़े, क्योंकि वो दूसरे वाहनों के आगे जाने के लिए निकलने के लिए खाली छोड़नी होती है। और जब आप अपने वाहन को चला रहे हैं तो आप दोनों तरफ देखें, दूसरे कोई और वाहन आपके साथ चल रहे हैं तो आप उनको रास्ता देते हुए चले। विशेष रूप से ट्रॉली के साथ में एक समस्या है कि बहुत लाउड स्पीकर हमने लगाए हुए होते हैं, बिल्कुल। उससे क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक तो जो भाई हमारे चला रहे हैं उस ट्रॉली को, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, पीछे से कोई वाहन आ रहा है और वो उनसे आगे निकलना चाहता है, रास्ता मांगना चाहता है, तो उन्हें उस गाने की आवाज में सुनाई नहीं देता। दूसरा कि जो पीछे वाहन चल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि आप जो आगे ट्रॉली चल रही है वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, ट्रॉली के इंडिकेटर भी बने हुए, तो ट्रॉली के इंडिकेटर में बाकी तो कितना साधन उठा कर पड़े भाई, वो दाईं साइड मुड़ती है बाईं साइड मुड़ती है। बिल्कुल, वही बात है कि जब हम वहाँ, वही मैं आपको कहना चाहती थी कि जब वो ट्रॉली आप वाहन चला रहे हैं तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप दाईं तरफ जाना चाहते हैं या बाईं तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर आपके ट्रॉली पे सिग्नल इंडिकेटर नहीं है तो आप अपने हाथ का इशारा करके पहले से पूर्व सूचित करें कि आपके जो पीछे वाहन आ रहा है उसको पता चल सके कि अब आप दाईं तरफ जाना चाहते हैं या बाईं तरफ जाना चाहते हैं। तो कम से कम 50 मीटर दूरी से ही आपको अपना हाथ आगे निकाल कर पूरा और इशारा करना चाहिए, दाया हाथ निकाल करके कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। पिछला साधन वाला दिखा हुआ आदत जी तेरे को बिल्कुल से भी बच सका। हाँ जी, बहुत बढ़िया जानकारी थी भाई, ट्रैक्टर जगह गावा गावे साधन चलावे लेकिन इंडिकेटर नहीं हुए तो वो आपको दही साइड मुड़े तो दही हाथ निकाल अच्छी देर कहूँ पतला साधन में दिखा इशारो करो, और बाई साइड मुड़े तो वही हाथ निकाल कर वो दिखाओ। साथ में जगह तेज ध्वनि वाला जगह यंत्र है जगह वह नहीं चलाना चाहिए जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके है। साथ ही साथ क्योंकि आज सड़क पर छेड़खानी के बराबर ही है तेज गति को वो ध्वनि प्रदूषण करना, एक कहावत है पंजाबी के मायने कि सड़क पर ठट्टा और शेरनी का मट्ठा, सड़क पर ठट्टा और शेरनी का मट्ठा महंगा ही पड़ता है, शेरनी को दूध निकालने के साथ बना बहुत गंदी बात है, तो सड़क पर ऐसी चिटोड़ी करना भी बहुत बड़ी बात है, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। तो दुपहिया वाहन की बताई की दुपहिया वाहन सो ज्यादा है आपने, और दुपहिया वाहन करीब करीब घर का मान मिल जाए लेकिन हेलमेट जरूरी है,
वो अगर हेलमेट अपन नहीं रख रहा तुम्हें अपन का नुकसान हो सके और हेलमेट रखना तो अपन का ही फायदा है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है और आज हम सवाल के माध्यम से हमारे ग्रामीण भाई बहनों से बात कर रहे हैं। तो अभी भारत के अंदर सड़क दुर्घटनाएं बेतहाशा से बढ़ती जा रही हैं और हमारा राजस्थान उसमें छठे नंबर पर प्रदेश आता है और उसमें भी क्योंकि जो ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है पूरे भारतवर्ष में वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हो रही है और उसमें मरने वालों का जो सबसे बड़ा प्रतिशत है वो दोपहिया वाहन चालकों का ही है और उसका कारण है कि हेलमेट नहीं लगाते हैं या हेलमेट लगाते हैं तो सही तरीके से उसको बांधते नहीं है। हेलमेट नहीं लगाने से क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है और क्योंकि और तो कुछ होता नहीं पूरी बॉडी ओपन होती है दोपहिया वाहन चालक की और जैसे ही कोई टक्कर लगती है वो सीधा सड़क पे गिरता है तो सर उसका जब जमीन से टकराता है तो हमारा सर जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन के लिए। हम जिंदा है क्योंकि हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा है और जब सर की चोट लगती है तो मस्तिष्क के अंदर जो सेल्स है वो मर जाती है और फिर डॉक्टर्स तक हम पहुंच नहीं पाते या पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स के पास कुछ करने लायक बचता नहीं है। उससे बचने का सिर्फ एकमात्र साधन है हेलमेट। अगर हमने हेलमेट पहना है और वो भी ISI मार्क का पहना है और प्रॉपरली बांधा है उसको अपनी गली गर्दन के ऊपर उसकी बेल्ट को तो अगर हम गिरते हैं तो वो हेलमेट टकराता है जमीन से तो हमारा सर बच जाता है और सर पे जो चोट बिना हेलमेट के ज्यादा तीव्र गति से लगती है वो उसकी में कमी आ जाती है तो ऐसा होता है कि जैसे बस छूकर निकल गई और मरते नहीं है हम ठीक हो जाते हैं। उसका एक और फायदा है हेलमेट पहनने का कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सवाई मानसिंह अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका स्टडी किया रिसर्च किया उन्होंने इससे कि जो अस्पताल का खर्चा है उसमें भी 50% तक की कमी आ जाती है सिर्फ एक हेलमेट पहनने से अगर चोट लगती है और नहीं पहनने के बाद में जो खर्चा आता है अस्पताल में तो पैसों का भी फायदा होता है और सबसे बड़ी बात है कि जीवन हमारा जीवन से महंगा पैसा हाँ लेकिन वो दोनों चीजों को हमें फायदा होता है कि हम जल्दी अस्पताल से ठीक होकर घर भी आ जाते हैं और हमारा पैसा भी कम लगता है और हमारा जीवन भी बच जाता है। हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो सड़क पे ही मौत हो जाती है पहली बात तो अगर ज्यादा तेज गति से हम चल रहे हैं क्योंकि गति भी हमारी बहुत तेज होती है जब हम हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हैं तो और उस वजह से हम जब टकराते हैं सर की चोट तो सर वहीं के वहीं फट जाता है और पूरा खुल जाता है तो फिर बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आप मोटरसाइकिल चलाओ तभी तो बड़ी सावधानी से चलाओ दुर्घटना को आप शिकार बना ही नहीं लेकिन अब जरूरी है कि मोटरसाइकिल पर बैठ बहु पहली आप हेलमेट जरूर लगावा और हेलमेट भी जहाँ आप बताया जहाँ ISI क्वालिटी को होना चाहिए और ISI मार्क को होना चाहिए अच्छा मजबूत होना चाहिए और जो युद्ध के माए जो ढाल का माया करे युद्ध में ढाल जो बचा भी है अपने सड़क की जंग के मायने वो हेलमेट बचा रहे पहली का भी अपना बटका सापो रखा करता पगड़ी रखा करता जी आदमी सिर पर धारण कर रखी है वो एक हेलमेट को प्रतिरूप हो वो जो मौसम से बचाया कर दो सर्दी की मार से बचा दो गर्मी की मार से लू की मार से बचा दो भी आज दुर्घटना की मार है इसको बचाने के लिए वो हेलमेट बहुत जरूरी है। साथ ही अपने देश की अर्थव्यवस्था है वह भी सुधरे कि चिकित्सा का क्षेत्र में जो खर्च आ रही है हेलमेट लगावा की वजह से आंद आ रही है और सबसे बड़ी बात तो आए भाई बना कि आप जीवन बच रही है और जीवन तो मेरे को क्यों नहीं है इसलिए दोपहिया वाहन चलाना तो आप हेलमेट जरूर रखा और ना केवल चलाने वाला इनफैक्ट जो पीछे बैठ रहा है सवारी है उसके साथ में उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है। हाँ वो आगलो ही तो पड़ेगा नहीं पर दोनों पड़ सके पड़े तो पीछे वाला ज्यादा उसकी गिरने की संभावनाएं होती है और उसके सर फटने की ज्यादा संभावनाएं होती है चालक से। जी बिल्कुल तो इसलिए जो पीछे बैठा है महिला क्योंकि ज्यादातर महिला और बच्चे ही रहते हैं अपने पति या उसके तो वो उनके सर की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट बहुत जरूरी है। आगे तो दोनों के चेहरे पर दोनों पहनने रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। आप याद बताओ जहाँ सड़क पर जो चिन्ह छे सफेद पीली जो लाइना बनी हुई छे वे काई सांकेतिक भाषा है और अगर उस भाषा के हम जानकार हैं तो हम दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा लेते हैं। तीन तरह के
की आपको रेखाएं सड़क पे खींची भी नजर आएंगी, उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, रंग भी। सबसे पहले तो जो टुकड़ों में सफेद रंग की रेखाएं खींची भी आती है, वो एक्चुअली सड़क के बीच में लेन को है, वो दो भागों में विभक्त करती है एक पूरी सड़क को। जैसे मैंने अभी पहले कहा था, अच्छा, जैसे आप वो लेन सिस्टम है की आप बाएं जो छोटे वाहन है या हल्के वाहन है या कम गति वाले वाहन है वो बाई तरफ चलेंगे और दाई तरफ खाली रखेंगे, ताकि दूसरे वाले जो बड़े गति वाले वाहन है या जिनको आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, वो दाई तरफ से निकल जाएंगे। तो वो लेन को डिवाइड करते हैं जो टुकड़ों में है। लेकिन आप कई जगहों पर देखेंगे जहाँ विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जहाँ बड़ी सड़कें नहीं है, छोटे दो लेन की तीन लेन की सड़कें हैं, जिसमें आने जाने के लिए बीच में डिवाइडर नहीं बना सकते क्योंकि सड़कों की चौड़ाई कम है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो लंबी लाइन सफेद रंग की बिना टूटी भी डाल देते हैं, वो एक डिवाइडर का काम करती है। मतलब एक तरफ से आपको जाना है और दूसरी तरफ से आपको आना है, तो वो डिवाइडर की लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर जहीं पे पीले रंग की आपको सफेद रंग पे, तो ये है कि आप कभी आगे निकलना चाहते हैं तो आप सावधानी से, सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है तो आप ओवरटेक करके निकल सकते हैं दाईं तरफ से। लेकिन पीली लाइन अगर आपको पूरी खींची हुई नजर आ रही है सड़क के ऊपर, तो उसका मतलब है कि उस लाइन के दूसरी तरफ आपको जाना ही नहीं है। वो एक कंपलसरी डिवाइडर है सड़क के बीच में, माना जाता है ऐसा। तो उसके आपको अपनी ही लेन में चलना है। अगर आप बाईं तरफ है तो आप बाईं तरफ ही चलेंगे और बाईं तरफ ही आगे चलते जाएंगे, उसमें ओवरटेक भी नहीं कर सकते उस जगह पर, क्योंकि वो बहुत कम चौड़ी सड़क है और सामने से अगर कोई बड़ा वाहन अचानक से आ गया तो वहाँ दुर्घटनाएं होने की बेतहाशा संभावनाएं होती है। जहाँ पापा लेन की बात करी रहा है, तो लेन सिस्टम कई छे मतलब ये है कि एक तरफ की सड़क पे चार वाहन एक साथ एक ही लाइन में चल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर वो लेन सिस्टम का मतलब ये है कि जो सबसे बाईं तरफ की सड़क है, सबसे बिल्कुल जो जमीन से अड़ी हुई है, उस पर आपको जो धीमी गति के वाहन है, जैसे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक अपने ग्रामीण के लोग चलाते हैं, या ऊंट लड्डा भी चला लेते हैं, और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जो बिल्कुल कम गति में धीमी गति में वाहन चलते हैं, वो सब बाई लेन पे चलते हैं। बीच की लेन उनके लिए है जो कार्स हैं, जीप से जो थोड़ी ज्यादा गति के अंदर ट्रक्स है थोड़े उसमें चलते हैं, और जो बिल्कुल डिवाइडर के सटी हुई जो दाई सड़क होती है वो एक्चुअली खाली छोड़नी चाहिए। उसका कारण ये है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आपातकालीन एम्बुलेंस को निकलना है या फायर ब्रिगेड को निकलना है, तो उसके लिए वो सड़क सुरक्षित मानी जाती है कि वो हमेशा खाली ही रहनी चाहिए। और अगर कभी आपको ओवरटेक करना हो, तो क्योंकि ओवरटेकिंग सिर्फ दाईं तरफ से ही करनी चाहिए, हम कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका है ओवरटेकिंग करने का, वो हमेशा आपको अपने राइट साइड से ही निकलना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर साइड होता है, तो ड्राइवर को आगे वाले ड्राइवर को पीछे दिखाई देता है कि वाहन आ रहा है, तो वो जगह ले देता है। ये और लेन सिस्टम आप समझ रहे हो, और भी आपकी लेन के हिसाब से साधन चालू, या जमीन जो सटेडी की सड़क है वह लेन है, देखो मैं ट्रैक्टर ऊंट लड्डा आगे चल रहे, तो बात की डिवाइडर जो सटेडी है भी कितना खाली छोड़नी चाहिए, ताकि आपातकालीन सेवाओं वाला वाहन कभी से निकल सके। आप बहुत अच्छी जानकारी है, आपा नगरी को पालन भी करना चाहिए। लेकिन आप बात करी ओवरटेक की, ओवरटेक दाहिनी तरफ से करना चाहिए, ताकि ड्राइवर ने ध्यान पड़े कि आपने साधन सारों पर निकल रही है, तो वो भी साधन हो जाए। ओवरटेक में दाहिनी तरफ के अलावा और आपने कहीं कहीं सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना को सबसे बड़ा कारण ओवरटेक भी कहते हैं। आजकल क्या है कि सब्र की कमी है लोगों के अंदर, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दबाजी की होड़ में लगा हुआ है, और वही हालत सबकी जगह दुर्घटना। लेकिन वो क्या होता है कि हमें लगता है कि मैं पहले चला जाऊं या मैं पहले अपना गाड़ी को निकालूं, तो हम दूसरे वाले को चलने ही नहीं देते, और हमें लगता है कि वो साइड नहीं दे रहा है तो हम उधर से निकल जाए इधर से निकल जाए। विशेष रूप से जो छोटी जीप चलती है और कार चलते हैं, वो जैसे कि ट्रक अगर कोई बड़ा वाहन आगे चल रहा है आपसे, तो उसको साइड लेने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको उतना समय इंतजार करना चाहिए जब आप सड़क पे चला रहे हैं अपने वाहन को, उसको साइड लेने। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आप दिन में अगर वाहन चला रहे हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग करेंगे, आप हॉर्न बजा के सामने वाले को पीछे आगे जो आपके चल रहा है उसको बताएंगे कि आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, और फिर जैसे ही वो आपको थोड़ी साइड देता है, वो बाईं तरफ लेगा अपने वाहन को और आपके लिए दायां वाला रास्ता खाली करेगा, तो आप सावधानी से धीरे धीरे आगे निकल सकते हैं उससे। लेकिन जब तक वो आपको साइड नहीं दे रहा है, आप फिर अपना पेशेंस खत्म करके और बाईं तरफ से निकलने का प्रयास करते हैं, वहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि
क्योंकि बाईं तरफ ड्राइवर को नजर नहीं आता है उसके पीछे से जो वाहन आता है, तो इसलिए दाईं तरफ से ही आपको वाहन ओवरटेक करना चाहिए और थोड़ा सब्र रखना चाहिए सड़क पे, वो अपने आप जगह होगी तो आप दुर्घटना नहीं करे। और वो सिस्टम बने हुए दाई तरफ से करे तो दाई तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि आपने बड़का को कह रहे कि हणु माका हाथ को चाहे झेरी वे, हणु माका हाथ को चाहे झेरी वे और चालू नु गेला को चाहे फेरी वे, तो चाहे वो अपन देर लगे कि भी लगे लेकिन अपन गेले गेले अपनी इसकी लेन है भी लेन में और समझ जाए अपना ध्यान करे। ध्यान दुर्घटना की बात आप करिए, तो दुर्घटना के बाद कई जिम्मेदारी हो गए देखिए, वहाँ बहुत बड़ा दायित्व बनता है आसपास के लोगों का, क्योंकि आज की तारीख में जो भारत में मरने वालों की संख्या है जो 35 वर्ष जो दुर्घटना में मौतें हुई हैं, वो राजस्थान में 10,000 मौतें हुई हैं सड़क के ऊपर, और उसमें से बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते थे लेकिन क्योंकि उन्हें समय पे चिकित्सा नहीं मिली, उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए तो उस वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरा एक कारण ये है कि पहुंचा जिन्होंने उठा के अस्पताल तक पहुंचाया उन्होंने सही तरीके से नहीं पहुंचाया, तो ये सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स का मानना है कि उनको अगर सही तरह से लाया जाता तो हम उन डॉक्टर्स उनको बचा पाते। हमारा एक बहुत बड़ा सही तरीका से लेवा को मतलब सही तरीका उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ करेगा अब दुर्घटना हो गई तो वही डॉक्टर तक पहुंचा दो, डॉक्टर ही कर सकता है इसका जो कुछ कर सकता है, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचाने के दौरान हम किस तरह से उसको उठा रहे हैं। जैसे कि अगर आप सड़क पे दो विशेष बातों का आप ध्यान रखें, सड़क के ऊपर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो सबसे पहले तो उसकी श्वास का हमें देखना चाहिए कि उसकी श्वास चल रही है या नहीं, वो होश में है या बेहोश है, कैसे लगेगा उसमें गतिशीलता आपको दिखाई दे रही है, हल्ला मचा रहा है, बात कर रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं तो होश में है तो मतलब श्वास भी उसका चल रहा ही है, लेकिन अगर कोई गतिशीलता नहीं है बिल्कुल चुपचाप एक तरफ पड़ा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा गंभीर व्यक्ति है और सबसे पहले उसे ही उठाना चाहिए। अब उठा के आप क्या देखेंगे उसमें, उसकी श्वास जांचेंगे, उसके मुंह पर आप अपने नाक कान को लेकर के जाएंगे तो आपको थोड़ी गर्म हवा महसूस होगी, छाती को देखेंगे तो उठती बैठती नजर आ रही है, छाती में हलचल दिख रही है या आपको उसकी आवाज श्वास की आवाज भी आपको सुनाई दे सकती है, इस तरह से आप जांचिए। अगर आपको ये तीनों चीजें मिल रही है, श्वास चल रही है तो थोड़ी तकलीफ की बात कम है, बेहोश ही हुआ है वो व्यक्ति, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम अक्सर गलती करते हैं कि हम उसकी जो गले का एयरवे है जो हमारा सांस जाने का रास्ता है हम उसे साफ नहीं करते और बिना साफ किए ही अस्पताल लेके जाते हैं। तो होता ये है कि यहाँ से तो हमने देखा कि हाँ सांस चल रही है लेकिन अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जो रास्ता था जाने का वो ब्लॉक था और दम घुटा, पोस्टमार्टम में अगर आती है रिपोर्ट में तो दम घुटना आता है, तो उसमें सिर्फ आपको एक सावधानी बरतनी है जो लेके जा रहा है कि उसके मुंह में से थोड़ा सा उसके मुंह को खोले, अगर मुंह को खोलने का तरीका सिंपल सा है कि उसकी गर्दन को आप थोड़ा सा उठा दीजिए बेहोश व्यक्ति की तो ये ढीला हो जाता है मुंह, और फिर आप आसानी से पकड़ के इसको खोल सकते हैं, मुंह में देखिए झांकिए जो कुछ आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करिए, जबान पीछे चली जाती है बेहोशी में उसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, कहने का मतलब है कि मुंह को खोल के साफ करना है, जो कुछ मुंह में दिख रहा है उसको आप निकालिए बाहर, आगे उसकी सांस जाने का रास्ता खुला रहे तो हवा जाती रहे, और फिर उसको आप थोड़ा बाईं करवट दिला करके सीधा लटाने के बजाय थोड़ा बाईं करवट दिला के लटाएंगे तो अस्पताल तक पहुंचने तक उसके जीवित रहने की और ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है। और दूसरा एक जो कारण है वो है खून बहना, अगर खून बहता हुआ दिख रहा है तो उसको पट्टियां बांध के ही अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि रक्त की वैसे भी बहुत कमी है, मिलता ही नहीं है हमें, और फिर अगर जो शरीर में है उसको भी बह गया तो फिर वो मौत हो जाती है। दुर्घटना संबंधी बात भी, ओवरटेक संबंधी बात भी, तो सड़कों के ऊपर बत्तियां भी व्या करें, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, पीली बत्ती है, आपको कहीं संकेत है सड़क की भाषा है तो सड़क की भाषा कहीं है, बिल्कुल बत्तियां आपको हर चीज कहती है आपको कब चलना है, कब रुकना है, कहाँ
पे चलना है वो आपको कहती है। सबसे पहले तो पीली बत्ती आपको सावधान करती है सड़क पे कि अभी आगे जो बेसिकली लबत्तियां जो होती है वो कट से होती है, चौराहों पे होती है जहाँ दोनों तीनों चारों तरफ से वाहन आते जाते रहते हैं और वहाँ टकराने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो वो बत्तियां इसीलिए लगाई जाती है कि वो अगर आपको रेड बत्ती नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको रुकना है एक बार वहां पर और देखना है चारों तरफ। अगर तो वो चौराया है तो जब तक ग्रीन बत्ती ना हो जाए तब तक आपको वहां से आगे नहीं चलना है। लेकिन कई हाईवे पे आप जहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है वहां पे भी केवल सिंगल लाल बत्ती भी आपको नजर आएगी और वो हमेशा जलती रहती है वहां पर। तो अगर सिर्फ एक अकेली लाल बत्ती ही लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो स्थान सबसे ज्यादा खतरनाक है सड़क दुर्घटनाओं के हिसाब से और वहाँ आपको एक बार तो रुकना ही है और रुक करके दोनों तरफ देख करके ही उसको क्रॉस करना है। अगर सिर्फ पीली बत्ती अकेली पीली बत्ती दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सावधान कर रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा अपनी गति को सीमित करके धीमी करके सावधानी से निकल जाए। और जहाँ लाल हरी और पीली तीनों बत्ती है तो वहाँ लाल पे आपको रुकना है और हरी पे ही आपको आगे बढ़ना है। यानी लाल पीली हरी तीनों बत्ती है तो पीली दूसरी है तो देखो, अरे मुक्को है तो जाओ नहीं रुको, और अगर लाल बत्ती जल रही है तो आपने रुकना है और हरी बत्ती है तो आपने आगे बढ़ना है। तो कई बातें ये अपने बीच में कई जुड़ी तो एक सड़कों के ऊपर चिन्ह भी मंडेरा रहे, कई बार यू आकार को मंडेरो रहे, कई बार धनुष का तीर का आकार को मंडेरो रहे, अपन की भाषा कहीं कह रहे हैं। ये आपको बताता है कि तीन तरह के आपको चिन्ह नजर आएंगे, एक तो गोल नजर आएंगे, गोल के अंदर कुछ कुछ मंडावा होगा, एक तिकोने आकार के नजर आएंगे उसमें कुछ मंडा होगा, एक चौकोर नजर आएंगे नीले कलर के जिससे लिखा होगा जयपुर दिल्ली इतनी दूरी पर है वो। अगर जो गोल है वो एक तरह से निर्जीव पुलिस मैन है, वो उस गोल के अंदर जो भी चिन्ह बने हुए हैं वो आपको पालना करना जरूरी है। आप नहीं पालना करेंगे तो आपका चलान हो जाएगा। जैसे कि किसी सड़क पे आपकी गति सीमा 50, 60, 70 हाईएस्ट है, आप उससे आगे चल नहीं सकते, तो आप 50 से ज्यादा चला रहे हैं 60 पे तो आपको गति सीमा के लिए आपको चलान देना पड़ेगा। ओवरटेकिंग वहां पे मना है, आप उस सड़क पे जैसे कम चौड़ी सड़कें हैं वहां ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, जैसे कि पीली लाइन मैंने आपको बताया वहां ओवरटेकिंग मना है, और अगर आप वहां ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो आपसे चलान हो जाएगा। तो वो आपको रोकने के लिए है कि दाया नहीं मुड़ना है या मुड़ना है, बाया नहीं मुड़ना है या मुड़ना है, कंपल्सरी चलना है, ऊपर चढ़ना है उतरना है, या आपको हॉर्न बजाना है या नहीं बजाना है। कई जगहों पे जहाँ VIPs रहते हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो वहां पे आपको चिन्ह नजर आएगा एक भोपू का और उससे क्रॉस करा हुआ नजर आएगा गोल के अंदर। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गोल के अंदर आपको चिन्ह नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको सड़क पे वाहन चलाना चाहिए। वो गोल पे तो चिन्ह बने हुए होंगे कैसे चलना है, दाई मुड़ना है बाया मुड़ना है, ऐसे तिकोने के अंदर होंगे कि आगे आपको इस तरह की कोई चीज मिलने वाली है, जैसे कि स्कूल मिलने वाला है या गांव आने वाला है या डिवाइडर में ब्रेक आने वाला है, वो तिकोने के अंदर होगा। उसका मतलब है कि आप सावधान हो जाइए, आगे जैसे जानवर ही आने वाला है तो कोई संभावित खतरा आ सकता है तो आप धीमे चलाएं। और चौकोर के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे टेलीफोन का बूथ है या आगे पार्किंग मिलेगी हमको, आगे जयपुर कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, वो हमको इन्फॉर्मेशन सूचना देने के लिए होता है। तो एक गोल में आदेशात्मक होते हैं, तिकोन में आपको सावधानी के लिए होते हैं और चौकोर में आपको सूचनात्मक होते हैं। जी आप प्रेरणा जी आप पधारे सुपाल स्टूडियो में, ये बात आपको घणो धन्यवाद। और भाई बना आप आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में करी और ऐ जितनी चर्चाओं में जितनी बात निकली है बना अपन जीवन में उतारण है। मैं चार पंक्तियों का माध्यम से, चार उड़े का माध्यम से, एक कविता का माध्यम से बात पूरी बात कहना चाहूंगा कि सीधे सावल मार्ग चालिया मंजिल भी मिल जासी, सीधे सावल मार्ग चालिया मंजिल भी मिल जासी, और आवड़ बावड़ चालिया भाई, आवड़ बावड़ चालिया भाई घोर अंधेरो छासी, कि आवड़ बावड़ चालिया भाई घोर अंधेरो छासी, कि आवण जावण करने खातर वाहन निकका चाले है पर नेम पालना करिया ही वे ठोड़ ठिकाने घाले है, कि सड़का पर सब चिन्ह मिंडिया है, सड़का पर सब चिन्ह मिंडिया है, जिया कदम अब धरनो है, आपाने भी नेम बनाकर वहां को पालन करनो है, आपाने भी नेम बनाकर वहां को पालन करनो है, कि पूरा रखना कागजात सन चौकनो है चलनो है, और ओवरटेक भी होशियारी से मौको देकर करनो है, ओवरटेक भी होशियारी से मौको देकर करनो है, सीट बेल्ट और हेलमेट भी वाहन सारू बरतांगा, और दूजो जे कुछ मात करे तो बिन भी मैं बर जाऊंगा, दूजो जे कुछ मात करे तो बिन भी मैं बर जाऊंगा। तो भाई बना ओ आज को आपने चौपाल कार्यक्रम आशा कर आपने दाया है उसी, और आप फिर मिल जाएंगे नया विषय के साथ, जब तक निचा आप सभी इजाजत राम राम।
सेविंग का पता सेव कहाँ था पक्का बता दो मैं दबा दूंगी। आई रुबा दौरान दोनों देश साथ गवर्नेंस और आपसे इतना